दोस्तों, आपने बॉलीवुड हो या साउथ इंडस्ट्री में ऐसे कई अभिनेता देखे होंगे जिन्होंने अपने हैंडसम और डैशिंग लुक के साथ साथ अपनी एक्टिंग से काफी दर्शकों को इम्प्रेस किया। जिन दर्शकों में सबसे ज्यादा लड़कियां शामिल है जो कि इन अभिनेताओं की डैशिंग पर्सनैलिटी पर फिदा है, इनमें मन ही मन शादी भी करना चाहती है। पर वहीं दोनों ही इंडस्ट्री के काफी सारे अभिनेता अभी तक कुंवारे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री के अभिनेता अभी भी कुंवारे क्यों हैं? आखिर उन्हें किसका इंतजार है? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे, और अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 10, अखिल अक्किनेनी। साउथ के हैंडसम अभिनेता अखिल ने अब तक कई बेहतर फिल्में दी, लेकिन अगर बात की जाए इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की या फिर ये किसके इंतजार में है, तो आपको बता दें इन्होंने साल 2016 में श्रेया भोपाल से सगाई कर ली थी, जिसे आगे चलकर श्रेया ने तोड़कर इनसे बेवफाई कर दी। उनकी इसी बेवफाई के बाद इनका दिल टूट चुका है और इनका शादी से भी भरोसा उठ चुका है। अब ये तभी शादी करेंगे जब इन्हें दोबारा शादी पर विश्वास होगा। पर नॉट टाइगर श्रॉफ। बॉलीवुड में अपने एक्शन और अपने फिटनेस के लिए जाने जाने वाले अभिनेता टाइगर श्रॉफ एक बेहतरीन एक्टर है, पर ये भी अभी तक कुंवारे हैं। अगर बात की जाए इसकी वजह की तो आपको बता दी अभिनेत्री दिशा पटानी को डेट कर रहे हैं, पर अभी दोनों अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। नंबर 5, सिद्धार्थ मल्होत्रा। इस शाह मूवी से खूब तारीफें हासिल करने वाले अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा भी अभी कुंवारे हैं। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन खबरें आ रही है कि अभिनेत्री कियारा आडवाणी को डेट कर रहे हैं। अगर इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि शादी जैसी चीजें अपने सही टाइम पर हो जाती है, अभी वो टाइम नहीं आया है। और 7, रामपोथी नैनी। साउथ के एनर्जेटिक स्टार रामपोथी नैनी साउथ में अपनी फिल्मों और अपने लुक के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, साथ ही अपनी जबरदस्त एनर्जी के लिए भी। मगर इन्होंने अभी तक शादी करने का फैसला नहीं किया, जिसके पीछे की वजह ये है कि इन्हें सिंगल रहना काफी पसंद है और ये कहते हैं कि शादी और प्यार हमारे हाथ में नहीं होते, इन्हें जब होना होता है ये अपने आप हो जाते हैं। पर 6, विजय देवकर कुंडा। जन रेडी मूवी से खूब तारीफें और प्रेम हासिल करने वाले अभिनेता विजय देवकर कुंडा साउथ के काफी हैंडसम अभिनेताओं में से एक हैं, पर इतने ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। इसके पीछे की वजह हम आपको बता दें कि ये बेल्जियन लड़की वर्जिनी से प्यार करते हैं और उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। और 5, अक्षय खन्ना। तो सिनेमा के जाने माने अभिनेता अक्षय खन्ना शादी से काफी दूर ही रहते हैं, जिसके चलते ये आज तक कुंवारे हैं। बात करें कि ये किसका इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें ये किसी का इंतजार नहीं कर रहे, इन्हें प्राइवेट लाइफ ज्यादा पसंद है। नंबर 4, उदय चोपड़ा। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता उदय चोपड़ा, जिन्होंने धूम सीरीज की ज्यादातर फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को खूब इम्प्रेस किया। बात की जाए कि अभी तक कुंवारे क्यों बैठे हैं, तो इसके पीछे की वजह है कि जब ये एक्ट्रेस नरगिस फाखरी को डेट कर रहे थे, उन्होंने इन्हें चीट कर दिया, जिसकी वजह से इनका शादी और प्यार पर विश्वास उठ गया। 3, फैसल खान। इला फिल्म से मशहूर हुए अभिनेता फैसल खान भी उन्हीं अभिनेताओं में शुमार हैं जो कि आज तक कुंवारे बैठे हैं। आपको बता दें कि फैसल खान ने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि इनका मानना है कि इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये गर्लफ्रेंड को एफोर्ड कर सके। नंबर 2, प्रभास। साउथ के सुपरस्टार प्रभास एक बहुत ही टैलेंटेड और फेमस अभिनेता हैं, जिन्हें आज बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री दोनों में ही जाना जाता है, लेकिन इतने ज्यादा फेमस होने के बावजूद भी अभी तक ये कुंवारे हैं, जिसकी वजह है ये अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी को पसंद करते हैं, मगर अनुष्का की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। नंबर 1, सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान को कौन नहीं जानता, ये बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है। साथ ही आपको बता दें कि वैसे तो ये कई अभिनेत्रियों को डेट कर चुके हैं, मगर ऐश्वर्या राय के साथ इनका रिलेशन काफी चर्चित था, मगर वो रिलेशन टूटने के बाद इनका प्यार और शादी पर से भरोसा टूट गया। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेताओं के बारे में और इनकी शादी ना करने की वजह के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।